हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ करके यहाँ से भी जा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है और साथ ही दोस्तों मैंने बताया है कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है और किस प्रकार आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, किस प्रकार आपको जॉब में आवेदन करना है, कितनी पोस्ट निकल कर आ रही है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सारी मैंने विस्तार से वीडियो में बताया। ठीक है, तो वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम बात करेंगे हीरो मोटर्स कंपनी में निकल रही वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि किस प्रकार आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है और कैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, तो सारी इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से जॉब से अपडेटेड रखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं हीरो मोटर्स कंपनी के करियर के पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आपको किस प्रकार ऑनलाइन करना पूरी वीडियो में एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो सर्च फिल्टर के दो ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है, सर्च जॉब्स का और सर्च ऑफ लोकेशन का। अगर आप इन दोनों फिल्टर का भी यूज़ करना चाहते हो तो बेसिकली आप कर सकते हो। ठीक है, इन इन जॉब को सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर डिटेल्स में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च जॉब्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सर्च फिल्टर का यूज़ नहीं करना चाहते तो सर्च जॉब पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने नीचे ये इस तरह की आपको नीचे जो है पोस्टें दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्च जॉब पे क्लिक कर दिया है, तो नीचे जैसे कि आप देख सकते हो जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पर सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो जयपुर से जो भी पोस्ट निकल कर आ रही है, ठीक है, जयपुर जयपुर और यहाँ पर इंदौर जयपुर, ठीक है, और भी यहाँ पर दिल्ली, कई सारी यहाँ पे पोस्ट निकल कर आ रही हैं। और डेट देख सकते हैं, 20 जुलाई को अपडेट हुई है, ये भी 20 जुलाई को अपडेट हुई है, ये भी 20 जुलाई, ये 19, ये 19, ये 17 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जॉब को सर्च कर लेना है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। ठीक है, तभी आपको जॉब में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकली यानी कि डेमो करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वाली वैकेंसी पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस वाली वैकेंसी पर क्लिक कर दिया है, तो आपके सामने नीचे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है जिसमें सारी चीज़ें आपको रीड करने को मिलेंगी। ठीक है, वो आपको यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या कौन सी डेटा कहाँ लोकेशन है, ठीक है, कौन सी कंपनी है और क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या स्किल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये रीड कर सकते हो आसानी के साथ में। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अप्लाई नाउ वाले पे ऑप्शन जो दिखेगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लिक करने के बाद में जो आपका जो न्यू पेज ओपन होगा यानी कि जो आगे विंडो खुलेगी वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो न्यू विंडो मेरे सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी साइनिंग के लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है पेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है अकाउंट, ठीक है, आपने मेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड अगर आपने पहले ही बना रखा है तो आप ये आईडी और पासवर्ड डाल करके साइनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं बना रखी हैं, जैसे आपने नहीं क्रिएट किया है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको आना है। ठीक है, और नीचे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट पर, तो आपके सामने जो विंडो है वो नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको जो न्यू पेज है वो आपका हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ईमेल एड्रेस डालने के लिए दिखा रहा है। ठीक है, ईमेल एड्रेस रीटाइप ईमेल एड्रेस चूज योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म को फिल कर लेना है और जॉब अच्छी तरह से आपको रीड कर लेना है पहले तो। ठीक है, उसके बाद में ही आप यहाँ पे जॉब को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपकी जो है पोस्ट निकल कर आ रही हैं, ये भी सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इन सभी का लिंक आपको जॉब को अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो मुझे कमेंट में जाकर के वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर दे दूँगा।